एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा जो है यानी 90+ मार्क्स आए और सरकारी कॉलेज या फिर अच्छे कॉलेज में हमारा एडमिशन हो, तो देखिए मैं आप लोग को आज बता दूंगा कि 500 VVI क्वेश्चन को आप लोग को पढ़ाने वाला हूं और ये वाला मॉक टेस्ट तो आप लोग लगा करके उसके बाद एग्ज़ाम में देने के लिए चले जाइएगा, क्योंकि कहीं भी पढ़िएगा पर ये वाला ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, मैं 100% बता रहा हूँ। यहाँ से आप लोग को वो प्रश्न जो है दिखाऊँगा, वो प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि पिछले साल पूछे गए थे और साथ में आप लोग को कुछ न्यू क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत तेज़ी से हम लोग करने वाले हैं, और ये वाला वीडियो देख करके उसका एग्जाम में चले जाना। कम से कम हम लोग 500 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और आप लोग का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ क्योंकि हम लीनियर क्वेश्चन लेकर आए हैं, लाइनियर क्वेश्चन जो कि लाइन एक ही लाइन में आप लोग का ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से पढ़ के जाइएगा तो बिल्कुल जो है आप लोग करंट याद रहेगा और याद रहने के बाद आप लोग फटाफट से आंसर करके आओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको जो है ये वीडियो मिले और सब जो है इसका फायदा ले सके, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए भारत का सबसे जो है ऊँचा सड़क कौन सा है, तो करेक्ट आंसर की ऊँचा सड़क नहीं ऊँचा जो है चोटी कौन सा होगा, तो करेक्ट आंसर की बात करें कंचनजंगा, यानी ठीक है इसका जो लगभग 8600 कुछ मीटर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा उपमा अलंकार, राइट आंसर क्या होगा, ठीक है चलिए उपमा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि प्राथमिक सेल का दूसरा नाम क्या है शुष्क, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो प्राथमिक सेल का दूसरा नाम क्या होता है, तो शुष्क होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता, तो माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को लीनियर क्वेश्चन इसलिए लेकर आया हूँ, देखिए इसमें आप लोग को ना ही कुछ डाउट मिलेगा और ना ही कुछ गलती मिलेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा फटाफट से देखिए, ठीक है जी, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है जो लिखा है, तो ठीक है। खैर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्छन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि गोद में छेड़ा नगर में डिंडोरा का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पास की वस्तु का दूर जाकर ढूंढना, ठीक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर राइट आंसर तो आप लोग देख ही रहे होंगे, रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा गया था, ये वाला यहाँ पर गलत कर दिया है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था लेकिन यहाँ पर 19 मार्च कर देगा, सॉरी। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH2 होता है, करेक्ट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर देख लीजिए। अब अगला देखिए, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी, तो साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 3 फरवरी 1928 को हुई थी, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सोलर पॉइंट यानी कहाँ लगाए जा रहे हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ यानी जगह दिया गया है, यानी बाड़मेर, उसके बाद यानी जलौड़ और जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर में लगाए जा रहे हैं। अब देखेंगे अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि टाटा आयरन कंपनी की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 1907 में मुंबई में हुआ था, ये जमशेदपुर नगर में हुआ था, ठीक है, जमशेदजी टाटा इसका जो है क्या है संस्थापक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर कर दीजिए, अभी जो आप लोग यानी जो है जीके के साथ साथ आप लोगों का जो है अभी मैं बताऊंगा कि यानी रीजनिंग और मैथ का क्लास जो है इसी तरह 500 क्वेश्चन का आ सकता है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा वीडियो आप लोगों को चाहिए जल्दी से, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, करें कि यानी क्या है द्वारकानाथ टैगोर की स्थापना किसने की, द्वारकानाथ टैगोर की जो स्थापना की थी किसने की थी, तो यानी सॉरी किसने नहीं है यहाँ पर कब हुई थी, तो 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बल का यानी एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अमेरिका के लोकसभा को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका के लोकसभा को अमेरिका हाउस ऑफ यानी रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिशुनाग वंश का तो पिशु क्या होगा, पिशुमित्र सुग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, बिल्कुल ये DLED के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और पूछा गया प्रश्न है, आप लोग बिल्कुल भी इस निश्चिंत होकर के पढ़िएगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, बिल्कुल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन पेपर में जो हुआ था वही वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, जन्म दिवस कब मनाया जाता है, इन जनसंख्या जन्म दिवस तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला देखिए सरोज का
संदीप विजेत सर जोर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि यानी मैथ का छोड़, मैथ और रीजनिंग छोड़ करके मैं सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अब सर सैयद अहमद खां का जन्म तो 17 अक्टूबर 1817 में हुआ था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, तो काली मिट्टी आदर्श होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि तरंग यानी ध्वनि तरंग कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, और देखिए मैं आप लोग को तो ये वाला तो क्वेश्चन यानी करा ही रहा हूँ, बाकी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग को सीटेट का कंप्लीट तैयारी करा दूंगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। लोहे में जंग लड़ना किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। मनसबदारी जो प्रथा चलाई थी किसने, तो अकबर ने। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में यानी मिलन स्थल कहाँ पर है, तो यानी नीलगिरी पहाड़ी में है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। फटाफट से आप लोगों को देखना। कह रहे कि यानी पोटासियम पर मैग्नेट का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी KMnO4 इसका होता है पोटासियम पर मैग्नेट का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो 7+7 होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। रूट फाइव क्या है फटाफट से बोलिएगा, तो एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला देखिए यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 28.025। ठीक है, 28.025 और 0.625 बटे 12.25 को अगर गुना करेंगे या इसको यानी हल करेंगे तो 5/392 आएगा। ठीक है, खैर ये वाला तो आप लोग देख लीजिएगा मिला करके। ठीक है, मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ, बाकी ये वाला तो क्वेश्चन देखिए इस तरीका पूछा जा सकता, बट ये वाला आप लोग रट के मत चले जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें कोशी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि विरक्त का उल्टा अनुरक्त होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। मानव शरीर का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है, तो देखिए 120 mm से लेकर 80 mm तक होता है, 120 यानी 80/120 या फिर यानी 120 तक होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जाए। रॉलेट एक्ट कानून को यानी काला कानून कहा जाता है, किस कानून को जो कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। फटाफट से आप लोग को देखना। कह रहा है कि 33 नंबर में पावापुरी बिहार के किस जिले में यानी स्थित है, तो नालंदा में स्थित है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। फटाफट से देखिए। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहां शुरू हुई थी, तो कहां पर हुई थी, देवघर जिले में रोहिणी नामक स्थान से हुई थी। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, करंट याद आप लोग करके जाइएगा। देखिए अभी पढ़ के जाइएगा तो भूलिएगा नहीं, बस आप लोग बिना यानी ऑप्शन को देख करके टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा। कह रहा है कि बिहार में कहाँ एकमात्र तेल शोधन कारखाना, तो बरौनी में है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। कह रहा है कि यानी क्या 285 जो पटना स्थित गोलघर का निर्माण, ये देखिए 285 सॉरी ये काटिए, तो पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब जो है किया गया था, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1786 में कराया गया था। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा। कह रहा है कि वर्धमान महावीर कहाँ महावीर स्वामी ने जो कहाँ पर जो है क्या किया था, यानी ये निर्यात नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ पर जो है ये पावापुरी में हुआ था। ठीक है, यानी महावीर जो है यानी सबसे पहले जो अपने यानी निर्धन हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, निर्यात यहाँ हो गया तो पावापुरी में। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जरा फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यानी मुखदूम कुंड कहाँ स्थित है, तो मखदूम कुंड कहाँ स्थित है, तो राजगीर में स्थित है। अब अगला देखिए क्या बोला जरा फटाफट से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष क्या है, देखिए तो कुछ मिस्टेक कर दिया है, प्रमुख साहित्य के सम्मानित होने वाले रचनाकार है, तो यानी क्या होगा, यानी गुंगेश गुंजन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, गुंगेश गुंजन करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई वर्ष नहीं दिया हुआ है, तो वर्ष तो दिया होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग याद रखना है सबसे पहले जो सम्मानित होने वाला था यानी साहित्य अकेडमी पुरस्कार से, तो वो गुंजन गुंजेश था। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। करेंगे बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला यानी जिला कौन सा, तो किशनगंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा, तो गया है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सोनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि बिहार के किस जिले में डोलोमाइट
खनिज पाया जाता है तो भोजपुर में पाया जाता है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बाजार पत्रिका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर फटाफट से देख लिए। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिहार की पहली रेलवे का जो नाम था, क्या नाम था, सबसे पहली जो चली थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे नाम था, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन स्थापित कराया गया था, तो मुजफ्फरपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए कह रहा है कि यानी बिहारी के ठाकुर यानी क्या है, विकारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो बिहारी ठाकुर जो बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो नाटककार के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का प्रथम महाकवि कौन है, तो विद्यापीठ, ठीक है, विद्यापीठ जो है सबसे पहला महाकवि। अगला देखते हैं क्या बोला जाएगा, बिहार की प्रथम यानी महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, ठीक है, एकदम आप लोग अभी याद कर लीजिएगा बिल्कुल, ये जो है क्या है कि आप लोग करंट याद करके जाइएगा और करंट जब एग्जाम दीजिएगा तो फट से आप लोग को एकदम बिना ऑप्शन को देखे हुए फट से बना के आ जाइएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पंजाब भाषा की लिपि कौन है, तो गुरुमुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो लोथल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि किसे सितारा और तबले का जनक माना जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अमीर खुसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना, कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो यहाँ पर क्या होगा, पामीर का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सा प्रयुक्त गैस का उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय, तो कौन सा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो मोहिर सेन था, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 746 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पानी की बूंदे के गोल होने का क्या कारण है, तो पानी की बूंदी जो गोल होने का कारण, सॉरी गोल नहीं है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो गोल होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, मानव निर्मित रेशा का कौन सा रेशा है, प्रथम रेशा, तो नायलोन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, 64 नंबर, कह रहा है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए क्या है, श्रोता और क्या है कि प्रवर्तक बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एकदम हम लोग कितना क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल बिना सांस लिए हुए, तो एक तरह का बोला जाता है 500 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, और अगर आप लोगों को बताया जाए कि जो कहाँ पर जो है यानी ध्वनि की गति नहीं होती, तो निर्वात में ध्वनि की गति नहीं होती है, ठीक है। अब अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होती है, तो बैगनी का सबसे अधिक विचलित होती है, इसको प्रकीर्ण बुलाता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वाहनों का हेडलाइट किस दर्पण का प्रयोग किया, तो वाहनों का हेडलाइट में किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी प्रकाश आकाश यानी तारे जो टिमटिमाते नजर आते हैं, तो क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, तो सबसे पहले प्राथमिक लाल, उसका हरा, उसका नीला प्राथमिक ये रंग है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वायु यानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी क्या है कि टांग का धातु या फिर सेल्डर में धातु का मिश्रण होता है, तो क्या टीन और सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो आंख से संबंधित है, ये रोग है एक, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, पहला महिला अंतरिक्ष, अगर आप लोगों को पूछा विश्व की पहला जो अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन हो जाएगा, लेकिन अगर महिला पूछेगा तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेलेंटीना यानी क्या है, व्लादिमीरोवाना, ठीक है, टेरेस्कोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत का अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, अगर आप लोगों को लड़की में पूछा जाए बिशंद्री पाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बॉय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला, सिनेबार किस धातु का अयस्क है,
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी पारा या मरकरी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए वो प्रयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिक ये क्या है, यानी सनलाइन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी यहाँ पर देख लीजिए नाभिक सनलाइन। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए कह रहा है कि यानी पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो विटामिन B3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, तो राइट आंसर क्या, विटामिन डी राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, यानी भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि अम्ल वर्षा होती है तो कहाँ पर होती है, ज़्यादातर कारखानों के तरफ होती है पास में। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कि किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है अग्रणी क्या है, देश नहीं राज्य होना चाहिए, तो मखान। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी आदर्श होती है, तो काली मिट्टी। क्या मनोरथ का संधि विच्छेद, मन है जो रथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, सूचना का अधिकार कौन सा राज्य में लागू हुआ था, तो सूचना का अधिकार जो कौन सा राज्य में, तमिलनाडु में हुआ था। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो हिटलर ने दिया था। ठीक है, अगला देखिए क्या जरा फटाफट से 500 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, बस आप लोग को कंप्लीट तरीके से देख लेना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसलिए तेजी तेजी से कर रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग अच्छे मार्क्स जो है करना चाहते हैं और सीटेट पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो यानी राजस्थान पोखरण में किया गया था। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ में होता है, यह सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए क्या, सेक 60 का मान क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो लागू हुआ था कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को लागू हुआ था। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार, तो 7. पूरे भारत का, तो 7.84 जो है पूरे भारत का। अगर आप लोग को 2022 की पूछा जाएगा तो आप लोग जो बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कि 8.84 जो है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोले, बिहार में सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो पूर्णिया में। यहाँ पर तेल सबसे ज़्यादा क्षेत्र कहाँ पर है, मेरे सबसे ज़्यादा तेल, देखिए ये वाला क्वेश्चन गलत ही दे दिया है। ठीक है, ये कट कर दीजिए, पूर्णिया में नहीं होता है। अगला देखिए क्या बोल रहे, भारत में सबसे मीठा झील कौन सा है, तो भारत में सबसे मीठा झील जो है यानी उलट झील। प्रमुख फसल कौन सी होती है, प्रमुख फसल बिहार का पूछा गया है, तो यानी गेहूं, चना, सरसों, मटर, जौ, यानी सूरजमुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए तिलक मांझी को कब फांसी दे गए, तो 1785 में। विधानसभा का कार्य जो है कार्यालय कितने वर्ष तक होता है, तो विधानसभा कार्यकाल जो कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक होता है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए विधानसभा का कार्यकाल जो होता है अभी 5 वर्ष का हो चुका है। ठीक है जी, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र में यानी राज करता है, तो कौन करता है, जल्दी से बोलिएगा, जनता करता है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, साइमन जिन्स क्या है, साइन 4/5 का मान जो अगर ज्ञात करेंगे, तो देखिए देखिए ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। देखिए मैं क्या बताऊँ यार, मैं तो जो है अभी टाइपिंग नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं जो टाइपिंग अलग जो है यानी किस मेरा टीम करता है, लेकिन कुछ कुछ गलत कर देता है, तो मैं उसको बोलता भी हूँ, लेकिन फिर भी कर ही देता है। खैर उसको हम लोग अगला जो है वो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशन क्या है, मसीह मिशन रियो पर हमला कब किया था, करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर 1992 में किया था। अगला देखिए भूटान वनों का क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत है, तो भूटान में वनों का जो प्रतिशत है 57 है। देखिए 57% वन ही है। परीक्षा का संधि विषय होगा परिज और इच्छा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर मीठा पानी का प्रतिशत 2.7% ही है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोले जरा फटाफट से देखिए, मनोहर का संधि विच्छेद, मन है जो हर करेक्ट आंसर होगा। अब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, तो शोक जो है यानी करुण भाव है। ठीक है, किस यानी रस का भाव है, तो करुण भाव का रस है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि हरि गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो हरि गीति का छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो 28 होती है। न्यूटन पर आवेश मौजूद होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा, कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये डबल आ चुका है। तो और ये पूछा भी गया है, यानी दो शिफ्ट तीन शिफ्ट में जो जितने भी लगभग 19 शिफ्ट में पूछा था, 1900 शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, अब सिर्फ
ये क्या है कि कौन सा जीव सिर्फ भारत में पाया जाता है, तो घड़ियाल, ठीक है, इसको जो डॉल्फिन भी बोल सकते हैं। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शरीर में डीएनए का यानी क्या कार्य होता है, तो क्या होता है, तो यानी वंशानुगत सामग्री को वाहन करता है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पैरा यानी बैगनी कि किरण अत्यधिक संपर्क में आने से क्या होता है, तो त्वचा का कैंसर होता है, ठीक है। पैरा यानी जो अधिक जो संपर्क में आता है हमारे त्वचा में लगता है, तो त्वचा का कैंसर हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना में बनता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला, इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर की बात करें तो बैरोनी में स्थित है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि परमाणु संख्या हमेशा बराबर होती है, तो प्रोटोन की संख्या में बराबर होती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, मतदान की आयु तो 18 जो है बेसिकली आय होती है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक यानी राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। अब देखिए टीपू सुल्तान कहां का शासक है, तो मैसूर का शासक था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हिंदी में कुल कितने काव्य, तो 9 काव्य रस है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है, तो क्रोध करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 123 नंबर, इंद्रधनुष के मध्य कौन सा रंग होता है, तो हरा होता है, हरा रंग का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, तो दामोदर घाटी परियोजना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि जब सूर्य प्रकाश और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो तब होता है, तो क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित हो जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन तो क्या होगा, यानी 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है, उस वक्त जो है क्या था इसलिए उसको भारतेंदु युग भी कहा गया है। अब अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि हरित क्रांति का जनक तो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा पत्र किसे संबोधित करता है, तो यानी उपराष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 56A के तहत। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस खोजकर्ता ने 1448 में भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा था, तो वास्को डी गामा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 133 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, तो 200 क्या है कि 32 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ, तो यहां पर राइट आंसर 1995 राइट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घर में मौसम के दौरान किस प्रकार की मिट्टी जो है यानी क्या होती है गहरी दरारें होती है, तो काली मिट्टी में जो है गहरी दरारें होती है किस घर में मौसम के दौरान, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला, नील विद्रोह का 1859 में कहां पर हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की क्रांतियों में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। अगला देखेंगे 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो है 1922 के अधिवेशन कौन थे, तो सी आर दास थे, यानी चितरंजन दास नाम है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 48.4 फ़ारेनहाइट होता है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी लेंस का क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर, ठीक है। अगला देखिए कंप्यूटर की आई चीफ किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रावसर्य तरंग धरियों की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 देखिए यानी सबसे मेरा कान जो है यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है सुन सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुष्य का यानी वैज्ञानिक नाम है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 500 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप लोग छोड़ रहा नहीं, वीडियो को देख करके एग्जाम देने के लिए सीधे चले जाना है, ठीक है। अगर आप लोग एग्जाम हॉल के बाहर भी है तो देख करके जाइएगा ये वीडियो। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला देखेंगे। और अगर ब्रिटिश संसद के द्वारा चुने जाने वाले यानी दादा भाई नौरू जी थे, और अगर आपको पूछा जाए कि यानी सबसे पहले जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी क्या थे अध्यक्ष कौन थे, तो वेमस चंद्र बनर्जी, और अध्यक्ष अध्यक्ष जो है वेमस चंद्र बनर्जी थे, और सचिव की बात किया जाए तो ए ओ ह्यूम थे। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है। भारत में ब्राह्मण की जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है, तो पुष्कर में है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है, तो रैबीज या फिर हाइब्रोफोबिया होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन राष्ट्रपति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब अगला देखिए, दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति तो क्या है, मैडम मेरी क्यूरी नाम था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में यानी नेपाल में है, यानी परमवीर चक्र का विजेता तो मेजर क्या है, सेमनाथ शर्मा है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, राइट आंसर की बात करें सरोजनी नायडू। और देखिए ये वाला पीडीएफ मैं आप लोग को अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग सेंड जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम में आप लोग को दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भारतीय नहीं पूछा जाए तो एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे, तो कपिल देव थे। अब अगला देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने जो है सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 जो है मनोनीत कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष जो शुरू हुआ था, तो 1901 को, बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रामायण किसने लिखी, तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होती है, तो उत्तर प्रदेश में होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो दांत को करता है। नासिक किस नदी में नदी के किनारे स्थित है, तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, जापान की मुद्रा जो है कौन सा, येन है। जापान की मुद्रा कौन है, येन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है, तो बछेंद्री पाल। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि डेविस कप का यानी संबंध किस खेल से है, तो टेनिस यानी क्या है कि कन्याकुमारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बस देख लेना है, एक नज़र एक झलक देख लेना है ये सारे क्वेश्चन को। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में, तो मधुमेह में किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहे, बीहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार, तो असम का है। अब देखिए अगला देखिए क्या बोल रहे, कौन सा विटामिन आंवले के प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी जो है आंवले के प्रचुर आंवला में मिलता है। अब अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर अंतिम पूछा जाए कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का जो है भारतीय अंतिम या फिर प्रथम, तो लॉर्ड या क्या होगा यानी कौन सा हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी हो जाएगा। अब देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, तो क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च यानी सेनापति कौन था, तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रतौंधी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है, यानी आँखों की बीमारी है ये। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तमिलनाडु का। वोल्ट क्या है कि वाट 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 बराबर वोल्ट डैश एम्पियर, तो यहाँ पर क्या होगा, एम्पियर क्या, वोल्ट बराबर सॉरी एम्पियर इंटू वोल्ट बराबर क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण की स्थानांतरण की दर को कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। अगला देखिए, लैक्टिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6 क्या होता है, C6 देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यानी एरर है, C6H6O3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी टाइपिंग एरर है तो मैं आप लोग को टाइपिंग एरर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन बिहार में किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कौन सा विभाजन सॉरी अधिवेशन, तो 1922 में किया गया था, जो कि बीकानेर में हुआ था। ठीक है, इसका जो है बीकानेर में हुआ था। ठीक है,
इसका जो है कौन था, तो एन सी माधोलकर इसका यानी अध्यक्ष था। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग की वजह होता है, तो क्या होता है, यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो माइक्रोफोन के द्वारा बदला जाता है। पृथ्वी की परिधि से क्या मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, तो किलोमीटर या फिर मील। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। अगला देखते क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, कह रहा है कि चूने का पानी सफ़ेद क्यों हो जाता है, तो CO2 के वजह से जो सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। चलो अब अगला देखते क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, जीरोफाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोगों को देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ऐसा वैसा हो चुका है, टाइपिंग अगर कहीं पर एरर हो जाएगा तो मैं आप लोगों को नीचे बता दूंगा, और आप लोगों को जो है कमेंट जो अच्छे से तरीके से पढ़ लेना है, मैं कमेंट जो ऊपर पिन कर देता हूँ, ठीक है। वो पिन किया हुआ कॉमेंट मैं ही करता हूँ, अगर कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाती है बाई मिस्टेक अगर, तो मैं यानी जो है यानी पिन कर दूंगा, ठीक है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार। वाशिंग सोडा तो क्या हो जाएगा, तो यानी हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट करेक्ट आंसर होगा। न्यूटन पर कौन सा आवेश होता है, तो करेक्ट आंसर की बात करें उदासीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर किस देश का था, तो जर्मनी का था। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत का विभाजन किया गया था, तो क्या हो जाएगा, भारत का विभाजन किया गया था, तो माउंट बेटन योजना का अंतर्गत जो है किया गया था भारत का विभाजन, ठीक है, 1947 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यानी चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो बिहार में शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि यानी मानव आंख में किस भाग पर छवि बनती है, तो रेटिना में बनती है। बिहार का भारतीय राष्ट्रीय संविधान, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो जगजीवन राम थे, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक कितना प्रतिशत है प्रति व्यक्ति, तो 282 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, जे थॉमसन ने की थी। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है फटाफट से देखिएगा, कह रहा है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1995 में शुरू हुआ था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म क्या है, किस प्रकार की मिट्टी में क्या है कि मौसम गर्म यानी क्या है दरारें पड़ जाती है, तो काली मिट्टी में, ये दोबारा आ चुका है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से, तो क्या होगा, मैंग्रोव वन करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उभयचर शब्द का क्या अर्थ होता है, या फिर क्या अर्थ है, तो दो जीव को उभयचर बोला जाता है, ठीक है। यानी उभयचर जो होता है, जैसे कि पानी में भी रहने वाला और स्थल में भी रहने वाला, जल स्थल दोनों को उसको उभयचर बोला जाता है, और अभयचर जो है एक स्थान में रहता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, 1857 के समय यानी वीर कुंवर सिंह थे, ये भी तो आप लोग पता ही होगा। उसके बाद देखिए पालक की कौन सी, पालक में कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि सूर्य से आने वाली पैरा बैगनी किरणें उत्पन्न होती है, तो क्या होती है, सूर्य की किरणें पैरा बैगनी, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये त्वचा का कैंसर होता है, अगर आप पैरा बैगनी जो यानी रे आता है, अगर वो हमारे चमड़े में लग जाएगा या फिर उस तरह लग जाएगा, तो हमको कैंसर हो जाएगा त्वचा का, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोल रहे कि यानी नौ ग्रह कौन सा मास है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये द्विगु समास है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि उपमा अलंकार का उदाहरण, तो उपमा अलंकार का उदाहरण क्या है, तो चंद्रमुख करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो DNA, ठीक है। अब देखेंगे पाप पटना मुहावरे का अर्थ है, पाप पटना मुहावरे का अर्थ क्या, पीछा छूटना, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में कौन सा समास है, तो अभी भाव समास है। अब ये टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के थे, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पत्तियों के द्वारा होती है। किसानों का मित्र कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, यह पता ही होगा। उसके देखिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते, तो राष्ट्रपति को देते हैं। वायुमंडल किस परत में ओजोन परत होती है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत, तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। क्या स्ट्रेट
प्रोटोस्फियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट देखिएगा। क्या उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत स्वतंत्र हुआ था, क्लीवेंट एटली। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर 216 है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो यूपी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए बिहार में मानसून के दौरान किसके कारण होती है, तो बिहार में मानसून के दौरान मानसून किसके दौरान होती है, पश्चिमी में जो है दक्षिण पश्चिम से मानसून जो है शुरू होती है उसी कारण होती है। यानी देखिए प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो अर्वाचीन हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, डुगडुगी पीटना मुहावरे का अर्थ होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, यानी क्या होगा, मुरादी करना, ठीक है, मुरादी करना। नर्मदा किस नदी, नर्मदा किस शहर से बहती है, तो क्या होगा, जबलपुर नहीं, वोडा दरा से बहती है। अब देखिए व्याकुल शब्द का यानी क्या होगा, संधि विच्छेद, यन संधि, व्याकुल जो व्याकुल शब्द जो है कौन संधि होगा, तो यन संधि हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कि कुकिंग गैस एलपीजी मुख्य रूप शामिल है, तो कहाँ पर शामिल होता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी प्रोटीन और क्या होगा, प्रोटीन और ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ होता है, तो क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी फॉस्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रूपक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 224 का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किस नदी के तट पर है, तो साबरमती नदी के तट पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अलंकार नहीं है, कौन सा अर्थ अलंकार जो है, कौन सा अर्थ अलंकार नहीं है, स्लेश जो है अर्थ अलंकार नहीं है, ठीक है। देखिए पहली इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी, तो 1825 में मुंबई सिटी में चलाई गई थी इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से देखना आप लोग, आप सबको जवाब भी देते चलना है। 1922 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर और क्या कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन करके, अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, तो बिहार में है। अब देखिए रामेश्वर पुल कहाँ पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अधिकांश वर्षा किस कारण हुआ, तो पश्चिमी मानसून, ये तो दोबारा रिपीट हो चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि बिहार में पहली रेल मार्ग किन स्थानों के बीच जो है था, तो मुगलसराय और क्या है कि कोलकाता के बीच जो है क्या है रेल मार्ग जो है भारत में बिहार में जो है रेल मार्ग जो किन स्थानों के बीच हुआ था, तो मुगलसराय और कोलकाता के बीच बीच में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे तो क्या है, राम दयालु सिंह थे। नवीकरणीय ऊर्जा कोयला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, जल चक्र कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती, तो जल चक्र में कौन सी जो प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती, संचालन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, जी संचालन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एलपीजी क्या होता है, तो एलपीजी एक ब्यूटेन क्या है, मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो लाल फॉस्फोरस, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, करेगी वायु की बुलबुला जल के किस लेंस की भ्रांति व्यवहार करता, तो अवतल लेंस राइट आंसर होगा। अब देखिए दाल रोटी कौन समास है, तो द्विंद समास है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बकाशत भूमि का वापसी मांग, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो राइट आंसर का मध्य प्रदेश, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान, तो क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलेगा, तो 36 से 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाई, तो शेरशाह सूरी ने बनाई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो क्या बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, वरुण के विकास में सब यानी भारत कौन सा स्थान पर है, तो 10वां स्थान पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो किशनगंज में होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी भारत का प्रदूषित नदी कौन सा है, तो यमुना नदी जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांटा चुभना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत बुरा लगना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ईद का चांद होना ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो बहुत दिनों पर दिखाई पड़ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी यानी 45 डिग्री प्लस 2 कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग करेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री राइट आंसर होगा, ठीक है।
और ये वाला मैथ है, आप लोग मैथ भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी मैथ का तो अभी आने वाला है वीडियो, ठीक है, बहुत जल्दी ही। देखिए, ती खाती थी वे तीन बेर खाती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यामक अलंकार है। अब देखिए, बिहार का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? तो क्या हो जाएगा, लेह मनाली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बिहार का सबसे ऊंचा सड़क कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर देख ही चुके हैं, इन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राज्य की सबसे, संयुक्त राष्ट्र यानी राष्ट्र की सबसे सॉरी स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। और आपको बता दूं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आप लोग अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत सबसे क्या, सबसे लंबी सीमा किसके बीच जो है, है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, पीताम्बर का संधि विच्छेद, पीतजोर अंबर, काजीरंगा उद्यान है, तो असम में है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई थी, ये ध्यान रखना आप लोग। शुक्राणु में कितने जो है भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं, ठीक है। बाजरा किस अंग के अंतर्गत आता है? तो मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, राष्ट्र ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaSO4 होता है, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, इसको जिप्सम भी बोला था। अब देखिए अगला, देखिए एल्किन का सूत्र CnH2n होता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सपना कृषि होता है तो उत्तराखंड में होता है सपना कृषि। गिद्धा और भागड़ा किस राज्य के लोक नृत्य? तो पंजाब के है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर क्या होगा, जॉन लोगी ने किया था। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। अब देखिए, मछली किस सहायता से सांस लेती है? तो गल्फरों के सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 को हुआ था, वो अमृतसर में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि यहाँ पर देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी के नाम से जाना था लाला लाजपत राय को। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी यानी सर्डर्स की हत्या किसने की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह। और पंजाब का जो PNB आज पंजाब नेशनल बैंक है, तो इस संस्थापक कौन है? तो लाला लाजपत राय ही है, ये बहुत अमीर था, ठीक है। अगला देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की यानी स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारत महात्मा गांधी का जन्म किस यानी तिथि को 2 अक्टूबर 1869 को मनाया जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी नाम था इसका पूरा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्टली। गांधी को यानी महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी ही है, महात्मा गांधी, ठीक है। अब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर भारत रत्न हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वरीयता पदक के नाम से नाम बताएं तो क्या होगा, परमवीर चक्र हो जाएगा। अब अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहले जो है व्यक्ति यूरी गागरिन, में बताया था आप लोगों को। अब देखिए क्या बोला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला जो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, अगर आपको पूछा जाए लेडीज में, लड़कियों में, तो क्या हो जाएगा यानी बचुंद्री पाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बोला जा रहा है कि यानी प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और कब इसे छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सेन नाम था, ठीक है, आर्यभट्ट नाम था, सन 1975 में छोड़ा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको फटाफट से देखना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव तो क्या होगा, बान की मीनू, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को 8 मार्च को मनाया जाता है? घेघा रोग किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग लाइक कर दिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन किस ग्रंथि या मानव शरीर के अंग से स्रावित होता है यानी अग्नाशय से? देखिए क्या कहें, डूरम्प कप का यानी संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन
भारतीय 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता, 22 भाषाओं को मान्यता मिला हुआ है, 22 ही भाषा को क्या है कि भारतीय यानी इसमें अनुसूची में दिया हुआ है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चीन की मुद्रा कौन सी है, तो युआन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हेनरी क्या होगा, ड्यूनेट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, तो एनीमिया। भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो भारत की जो कोकिला कहलाती है सरोजनी नायडू जो है यानी ये क्या थी, IPS भी थी, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा, करेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसका जो इल्तुतमिश ने इसका क्या, इसका दामाद था इल्तुतमिश, यही जो पूरा किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो संस्थापक किया था। इसका नाम पहले अलग था, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो संस्थापक मदन मोहन मालवीय का था, लेकिन बाद में जो है यहाँ इसका नाम चेंज होकर के, ठीक है, पहले इसका एक मिनट में नाम भूल रहा हूँ अभी, वो किसने जो है इसका संस्थापक किया था, बाल गंगाधर तिलक या फिर कोई, अच्छा अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चले अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देते चलना है, ठीक है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में। अब जो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है, दक्षेस के कितने सदस्य हैं, तो 8 सदस्य, भारत नेपाल और क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान क्या है उसके बांग्लादेश हो गया और मालदीव भूटान, ठीक है, श्रीलंका भूटान। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी, तो तट रेखा की लंबाई जो 7516 है, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो भारत हो जाएगा। ग्रेट ट्रक रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने बनाया, ग्रेट ट्रक जो है रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, तो बेरीबेरी रोग। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो क्या विटामिन सी। अब देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, फिर विटामिन के की कमी से, ठीक है, हेमोग्लोबिन की कमी से भी खून का थक्का नहीं बनता है, खून का थक्का जो है नहीं चलता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए ब्रेन हेमरेज जो है मिनी दिमाग में जाकर के खून रुक जाता है, ठीक है, हार्ट अटैक होता है या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो LS कार्बोलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि 1857 के किस विद्रोह ने अपना वरदान सबसे पहले दिया, मंगल पांडे, ठीक है, सबसे पहले जो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी और 1857 में सबसे पहले इन्होंने ही जंग छिड़ा था, ठीक है। अगला देखिए भारत की पहली जो है महिला राष्ट्रपति, तो महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये सरोजनी नायडू जो है यानी क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष भी थे और ये राष्ट्रपति भी रह चुकी है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला शासिका थी, तो संतोष यादव। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि ब्राह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, डबल आ चुका है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, वेदों और लौटों का नारा किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है। अगला देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, ठीक है। अगला देखिए वास्को डी गामा भारत जो आया था वो आया था 1498 ईस्वी में, पुर्तगाल का रहने वाला था, सॉरी वास्को डी गामा कहाँ का, पुर्तगाल का, ठीक है। तो सबसे जो है ये गुंडा माने एक गुंडा पुर्तगाल का वास्को डी गामा आया क्यों और सबको पता चल गया, वैसे आ भी सकता था क्योंकि हमारा देश क्या था, सोने के चिड़िया था, और देखिए ये वास्को डी गामा पहले आया, रास्ता बताया, फिर अंग्रेज आया, फिर अंग्रेज आके पूरा जो है सबको लूटने लग गया, ठीक है। तो पकड़ के अगर मारने का लायक है या फिर कुछ करने का लायक है तो वास्को डी गामा को ही, ठीक है। चलो हवा महल कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु, सिख गुरु को माना जाता है, तो गुरु नानक हो जाएगा। अब देखिए सिखों का मुख्य त्यौहार कौन है, तो क्या होगा, वैशाली हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1912 में
अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। देश आज़ाद के लिए उन्होंने जो है अपना जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फैलाने के लिए और जो है विद्रोह करने के लिए लोगों को जागृत करने के लिए जो है अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। महान चिकित्सक चरक जो थे वो किसके दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते हैं, तो मेट्रो पुरुष जो है श्रीधरन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष होता, तो यहाँ पर 1916 में हुआ था, और ये जो लखनऊ में हुआ था समझौता, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है क्या था कि यानी सबसे पहला जो है दो ही मतलब हमारा देश में राष्ट्रीय जो है यानी राष्ट्रीय क्या था यानी दल था, मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय दी मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, सबसे पहला वो होगा, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर देख लेते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दावली के बीच हुई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने दिनों तक होती है, तो 30 मास तक होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, संगमरमर परिवर्तित रूप है, संगमरमर का परिवर्तित रूप तो चूना पत्थर हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि कावी विश्व का विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। चौराचरी कांड के बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन यानी स्थगित कर दिया था, तो यानी क्या होगा, असहयोग आंदोलन जो करना शुरू यानी स्थगित कर दिया, रोक दिया था इसको, ठीक है। चलिए इससे जो है यानी बहुत सारे जो है जो गरमपंथी नेता के दल थे, तो वो जो है यानी काफ़ी जो है यानी इससे महात्मा गांधी से गुस्सा गए थे कि नहीं क्यों छोड़ दिए, अभी इतना अच्छा चल रहा था और छोड़ दिए, लेकिन जब जो चौराचौरी कांड में जो बम कांड हुआ था ये, ठीक है, तो फिर ये थोड़ा सा पीछे गया था, ठीक है, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा के यानी पुजारी थे और ये जो है किसी को मारना नहीं चाहते थे, या फिर थोड़ा सा पीछे हट गया और फिर वो सोचा कि चलो जब शांत होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। केरल के तट को क्या कहते हैं, तो यानी क्या मालाबार तट कहते हैं। अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, जैन अवेस्ता किस धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है, तो फारसी। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब यानी भारतीय राष्ट्रीय गान जो गाया था सबसे पहले, तो कहाँ पर गाया था, तो 1911 के अधिवेशन जो कि कोलकाता में हुआ था, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पानी का यानी रासायनिक सूत्र तो H2O होता है, ये तो हम लोग बचपन से ही बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परगीत में पाया जाने वाला कठोर पदार्थ होता है, तो मीन सर परगति में पाया जाने वाला, हाँ, तो हीरा हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जल की औसत मात्रा कितनी होती है, 3.5 होती है, ठीक है। अगला देखते हैं भारतीय यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, तो राइट आंसर की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण जो है 326 BC में किया था। अब अगला देखते हैं क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है कि 11, 13, 17, 19 और 23, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको अगर यहाँ देखिए अब यहाँ 11 है, उसके बाद क्या है कि 13 है, फिर 17 है, तो कितना का अंतर यहाँ पर दिखने को मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, 2 का, फिर यहाँ कितना मिला है, यानी 2 के बाद जो 13 और कितना होता है 4, ठीक है, 13, 4 कितना 17 होता है, फिर 4 अगर जोड़ेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, ठीक है, 13, 4, 17 होता है, फिर 19 है, फिर 23 है। तो अगर आपको इसको सॉल्व जो करने के लिए मैं अभी आपको जो है पूरी तरीके से ये सॉल्व जो है मैं अभी देखिए हाँ ट्रिक के तौर पर अगर 23 है, ठीक है, देखो 11, 4, 17, ठीक है, 13 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक मिनट इसको सॉल्व में करके बता देता हूँ, ठीक है अभी मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसलिए नहीं देखिए इसको मैं देखा ही नहीं था, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं देखा ही नहीं था, नहीं तो मैं सॉल्व करके देखो, मुझे भी तो सॉल्व करना पड़ता है ना, तो मैं अभी सॉल्व नहीं किया, बट अभी बाद में कर दूंगा, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग सॉल्व करके बताइए, ठीक है, मैं अभी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि क्या होगा, ठीक है। चलो अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि सोपान कृषि उत्तराखंड, तो सोपान कृषि उत्तराखंड में होती है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या बोला जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़कर बात की गई है, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर क्या होगा,
अतियोक्ति अलंकार, ठीक है, कुछ जा यानी कुछ जाकर ले आओ सर्वनाम है तो नीज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ती धारा डायनोमा से मिलती है, ठीक है, इसको डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखकर कह रहे हैं कि मुद्रित महापति मंदिर आए सेवक सुमन बुलाया, कौन सा अलंकार है, तो यामक अलंकार है। देखिए बच्चों मैं थक गया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को क्लास जो है यहीं तक हम छोड़ दे रहे हैं, बाकी जितने भी पीडीएफ है सॉरी इसका पीडीएफ जो मैं बनाया हूँ तो ये पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन हो जाइएगा ये वाला पूरा वीडियो देख करके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और वो रीजनिंग और एक मैथ में छोड़ दिया हूँ देखिए वो वाला दोनों क्वेश्चन में आप लोग को कॉमेंट्स में कॉमेंट करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आप लोग देख के जाइएगा अगर आप लोग अच्छा कॉलेज चाहते हैं, और आप लोग जो पूछा गया था वो वाला पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो अभी का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।